नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका देसी भारत के इस महामंच पर। मेरा नाम धर्म दुबे है। कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस समय भोजपुरी सिनेमा के रिकॉर्ड मशीन पवन सिंह की बड़ी ही तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें हमने देखा कि पवन सिंह साहब ने उस शख्सियत, उस दिग्गज से मुलाकात की है जिनके बारे में न केवल राजनीति बल्कि उत्तर प्रदेश में हमेशा ही चर्चाएं बनी होती हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं विधायक राजा भैया की। ये देखिए, ये तस्वीर कल से ही बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि राजा भैया बीच में विराजमान हैं। उनके साथ पवन सिंह ने मुलाकात की है, साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत टैलेंटेड अभिनेत्री प्रीति सिन्हा भी तस्वीर में राजा भैया के साथ दिखाई दे रहे हैं। एक और फोटो है, ये देखिए, राजा भैया के साथ पवन सिंह साहब और एक शख्सियत साथ में मौजूद। कैप्शन में लिखा गया है, अपना शेर भैया और राजा भैया। यानी जो खबर हमारे पास है, लखनऊ में राजा भैया से पवन सिंह जी की मुलाकात हुई है। हालांकि ये मुलाकात किस वजह से हुई है और आगे चलकर क्या रंग दिखाएगी, ये अभी कह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन राजा भैया अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। और अब मैं आपको राजा भैया से जुड़ा एक कुछ चीज़ें आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको पढ़कर ही सुना देता हूँ। हाल ही में इलेक्शन हुए हैं और सवाल ये उठ रहा है कि क्या राजा भैया वर्तमान में चल रही सरकार को ज्वाइन करेंगे। तो मैं आपको अब खबर पढ़कर सुनाता हूँ। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया कुंडा से चुनाव जीतकर सातवीं बार विधायक बने हैं। हालांकि राजा भैया की जीत इस बार उतनी बड़ी नहीं थी जितना कि वो दावा कर रहे थे। सपा उम्मीदवार गुलशन यादव ने राजा भैया को अच्छी टक्कर दी। जहां राजा भैया 1.5 लाख वोट से हराने का दावा करते थे, वहां राजा भैया और गुलशन के मत में 30,418 का अंतर था। यानी 30,418 वोट से राजा भैया जीते हैं। जीत के बाद क्या बोला है राजा भैया ने, ये भी जानिए। सातवीं बार कुंडा से जीत के बाद जब राजा भैया से पूछा गया कि सातवीं बार आपकी जीत हुई है, बड़ी जीत तो नहीं हुई है लेकिन आप फिर से विधायक बन गए हैं, इस पर राजा भैया ने कहा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। कुंडा और बाबागंज विधानसभा के लोगों को इस जीत के लिए उन्हें बधाई। जनसत्ता दल ने अपनी एक पहचान बना ली है। यहां तक कि इशारों पर राजा भैया ने मायावती पर भी तंज कसा। अखिलेश यादव के कुंडा में कुंडी लगवाने वाले बयान पर रघुराज प्रताप सिंह ने कहा, इस पर हमें कुछ नहीं कहना है, जो भी कहना था यहाँ की जनता ने कह दिया है। बहुत पहले से कई राष्ट्रीय दल भी आज जनसत्ता दल के बराबर है या फिर जनसत्ता दल से नीचे पहुंच गए हैं, इससे हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ राजा भैया जिस पार्टी के साथ अपनी पार्टी की तुलना कर रहे हैं वो है बसपा। क्या होंगे सरकार में शामिल? बसपा अध्यक्ष मायावती और राजा भैया के बीच 36 का आंकड़ा माना जाता है। मायावती की ही सरकार में राजा भैया, उनके पिता और चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि इसके बाद मुलायम सिंह की सरकार आने पर राजा भैया रिहा हो गए। राजा भैया से पूछा गया कि क्या आप सरकार में रहेंगे, इस पर राजा भैया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि सरकार में जाकर क्या करना है, हम वैसे भी सरकार में ही हैं। बता दें कि कुंडा में विधानसभा चुनाव प्रचार करने पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि कुंडा के मतदाताओं, इस बार कुंडा में ऐसी कुंडी लगाओ कि उसे फिर कोई खोल ना पाए। इसके जवाब में राजा भैया ने कहा था कि कोई मां का लाल पैदा नहीं हुआ तो कुंडा में कुंडी लगा सके। दोस्तों, ये खबर मैंने आपको इसलिए पढ़कर सुनाई है ताकि आपको ये चीज़ समझ आए कि राजा भैया कितने शक्तिशाली हैं और किस तरीके से सरकार के खिलाफ लगातार सातवीं बार चुनाव जीते हैं और सरकार के खिलाफ झंडा अभी भी जाहिर किया है। और उन्हीं राजा भैया से पवन सिंह जी ने मुलाकात की है। हालांकि वजह क्या है और इसका परिणाम क्या होगा, ये अभी कह पाना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी। लेकिन आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है राजा भैया और पवन सिंह के मुलाकात के पीछे, आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर अभी तक नहीं किया है। बने रहें देसी भारत के साथ। नमस्कार।